अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। साइमन मरांडी एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य के रूप में बिहार के राजमहल से भारत के संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1947 को डुमरिया साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ था। उनके पत्नी का नाम सुशीला हंसा है। 12 दिसंबर 2017 को भारतीय जनता पार्टी पाकुड़ में आदिवासी जोड़ों के लिए एक चुंबन प्रतियोगिता के आयोजन के लिए झारखंड विधानसभा से मरांडी के निलंबन की मांग की। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता के आरएन टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां उनकी स्थिति नाजुक बन गई थी। सोमवार रात कोलकाता के आरएन टैगोर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। साल 1977 में उन्होंने पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा था। साइमन मरांडी 5 बार 1977, 1980, 1985, 2009, 2017 में विधायक रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे और उनकी हार हुई थी। साइमन मरांडी जेएमएम के टिकट पर राजमहल सीट से 1989 और 1991 में सांसद रह चुके हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में वे साल 2013 में मंत्री भी बन गए थे। साइमन मरांडी की मौत से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह कोलकाता से स्वर्गीय साइमन मरांडी का पार्थिव शरीर पाकुड़ जिला स्थित उनके हिरणपुर आवास के लिए निकल चुका है। परिजनों का कहना है कि 14 अप्रैल यानी बुधवार को लिट्टीपाड़ा प्रखंड के ताल पहाड़ी डुमरिया स्थित उनके पैतृक आवास के निकट उन्हें दफनाया जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।